मैं कमाता 1000 हूँ, लगाता 1500, क्यों भाई? तुम बाप लगते हो, सारा दिन मेहनत मेरी वजह से लेते हो, मुल्क मेरी वजह से चलाते हो, पैसा बिलों में मुझसे लेते हो, साबुन में मुझसे लेते हो, ये रोजमर्रा हम इस्तेमाल करते हैं। आप जैसे लोग तो भाईजान वो टिच का बटन दबाया और लोशन निकला, लगा के निकल गए। हमने तो 20-20 वाला साबुन तलाश करना है, ये कैसे करेंगे? कोई है हमें रास्ता दिखाने वाला? कोई है हमारी उंगली पकड़ने वाला? हम खुद को खुद कामयाब कर सकते हैं, हम खुद को खुद नाकाम कर सकते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ जागीरदार ही खुश है इस मुल्क के अंदर, जो गरीब आदमी एक मिडिल क्लास का लफ्ज आप सुनते थे। आपको पता है कि ये इतनी आवाजें क्यों निकल रही हैं? आगे एक तबका मरता होता था, गरीब तबका होता था, जिसकी गिनती नहीं होती, जिसकी हम तस्वीरें लगाकर बाहर की दुनिया से पैसे ले लेते हैं, जिनके पास पहनने को सलवार नहीं होती, ऊपर शर्ट नहीं होती, उनकी तस्वीरें अखबारों में लगवाते हैं, फ्लैक्सों पर लगवाते हैं, हमारे मुल्क के सियासतदान और बाहर से पैसा लेते हैं। लेकिन मुल्क के ऊपर क्या लगता है, उस गरीब के ऊपर क्या लगता है, आज तक ना किसी ने पूछा और ना किसी ने बताया, क्योंकि ना इतनी हमें किसी ने औकात बताई इस मुल्क में रहने के लिए कि भाई टैक्स दोगे आप, रिश्वतें दोगे आप, लोगों के पेट पालोगे आप, जागीरदार को आप पालोगे, लेकिन आपका गरीब जो होगा उसका जो बाप है, मुझे यहाँ पर मिला है खुदा की कसम, एक साइकिल वाला सीधा मेरी तरफ आया, उसने कहा कि मैंने अपने बच्चे के लिए जूता लेना है, मुझे आप जूता ले देंगे? अब मुझे बताएं, एक बाप से जब औलाद कोई चीज मांगे, औलाद कोई चीज मांगे तो वो कांपता नहीं होगा? क्या आपको अपने बच्चे अजीज हैं? जब आपके बच्चे एसी से निकलते हैं, एसी में सोते हैं, एसी में जाते हैं, तो एक गरीब मेहनत का आदमी जो साइकिल पर जा रहा है, उसको बाप बनने का कोई इख्तियार नहीं है, उसके कोई जज्बात नहीं है, उसका कोई दिल नहीं है। ये लोग कांपते नहीं है, ये लोग मरना भूल गए हैं, इनको नहीं पता कि ये सारी कौम जो यहाँ घूमती है, ये अल्लाह नबी का कलमा पढ़ने वाली कौम है, ये उम्मत ही है उस नबी की, उसी की हया कर लो। लेकिन हया शर्म कुछ नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर जाने लेने का मामला शुरू है, और वो शुरू रहेगा। पाकिस्तानी और एक गरीब आदमी कहाँ कहाँ मर रहा है आपको अंदाजा भी नहीं है। सर लोगों को अपनी फिक्र नहीं है, लोग राजी हैं। सर लोग अपनी मेहनत करेंगे कैसे, कैसे करें फिक्र? अपना बच्चा रात को पाल नहीं सकते, बच्चे को पानी का गर्म करके वो देगची के अंदर माँ कह रही है कि मैं तुम्हें रोटी दे रही हूँ, उससे बच्चा पल नहीं रहा, मुल्क के लिए क्या लड़ेगा वो? मुल्क के इदारों के लिए क्या लड़ेगा? आइन के लिए क्या लड़ेगा? कानून कहाँ से लाएगा? आपके मुल्क के अंदर गरीब के लिए कानून है? अगर एक बंदे के ऊपर गलत किस्म की FIR या दरखास्त चले जाए गरीब आदमी पर, वो 10-15 साल अपनी हलाल रोटी जो है उसी पर लगाता है, लेकिन इंसाफ फिर नहीं मिलता इस मुल्क में। वो यहाँ पर आकर क्या चूड़ियां मांगेगा, क्या करेगा, किससे लड़ेगा वो? वो अपने हालात से नहीं लड़ सकता जिधर आकर आपने उसको खड़ा कर दिया। आप लोग वो बातें ही नहीं कर सकते, आप हकाइक तो देखे बाहर जाकर। आप एक सफेद दाढ़ी वाले को देखे जिसका मेरा नबी एहतराम करता था, जिसका नबी मेरे लिए सफेद दाढ़ी देखकर खड़ा हो जाता था, आज सलील हो रहा है वो। ये दीन है हमारा, ये कुरान कहता था हमें, ये हम लोगों की कदर कर रहे हैं। खादमे आला, खादमे आला, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, झूठ बोलते हैं सियासतदान हमसे, कुछ भी नहीं देंगे हमें ये। हमें खुद लड़ना पड़ेगा भाई, हमें खुद कमाना पड़ता है, हमें खुद मजदूरियों पर जाना पड़ता है। गालियां सुनते हैं हम बाप बनने के लिए, गालियां सुनाते हैं लोग, आपको बुरा भला कहते हैं, भगा देते हैं, धुतकार देते हैं आपको। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कानून है इस मुल्क में, गैर मुस्लिम का बच्चा अगर बीमार होता है तो उसको हुकूमत देती है, लेकिन मुसलमान का बच्चा नबी की उम्मत जब बीमार होता है उसको धक्के देती है ये कौम। हम अपने जैसे से लड़ते हैं लेकिन अपने से ऊंचे से नहीं लड़ते, डर लगता है, टांगे काम जाती हैं। पूछो सवाल आज से, कितने लाकर खड़ा किया इन सबको यहाँ पर, क्यों खड़े हैं ये बात? मैं आपको पैसे बांट रहा हूँ, बिरयानी बांट रहा हूँ, इनके दिलों की बात कर रहा हूँ, इनके अंदर की बातें हैं। ये मैं घूमता हूँ, मैं चेक करता हूँ, मैं सुबह से पागल हूँ, मैंने देखी है माए रोते, बाप रोते देखे हैं। भाई मिडिल क्लास कोई नहीं रह गया इस मुल्क में, हर चीज मर रही है, सफेद पोश आदमी। मैं आपसे अगर 1000 रुपया जिंदगी में नहीं मांगा, इन हालात में मांगूंगा मैं आपसे 1000 रुपया, मैं मर जाऊंगा लेकिन सफेद पोशी में जाऊंगा, अपनी काटन का सूट पहनूंगा, जूती पालिश करवाऊंगा, जेब में टका ना हो फिरूंगा मैं चौधरियों की तरह, कि मेरे बच्चे को लगे कि मेरा बाप चौधरी है। लेकिन इस मुल्क में सिर्फ वो चौधरी है जो निजाम के अंदर बैठा है, जो निजाम से बाहर है वो चौधरी नहीं है इस मुल्क के अंदर। वो क्या है? वो तो एक हकारत की नजर से उसको देखा जाता है, वो बोझ समझा जाता है इस मुल्क के अंदर। जब कोई सैलाब आना है तो उस गरीब को मारने के लिए ज़कात देते हैं ये लोग हमारी। कभी सैलाब गया जागीरदार के घर, कभी गया किसी सियासतदान के घर, कभी बच्चा मरा इनका कहीं पर, कभी भूख से ये रात को सोए हैं, फिर ये कहते हैं मुल्क के हालात नहीं ठीक, तो लाओ पैसा अपने मुल्क में, लगाओ हमारे ऊपर, हमसे लिया हुआ पैसा मुल्क से बाहर ले जाओगे तो हालात ठीक होंगे। मुझे एक बात बताएं बिलाल भाई, एक बाप की, बाप मैं कहता हूँ अल्लाह ताला की जात के बाद मेरे पास बाप है, मैं समझता हूँ कि बाप क्या होता है, जिसका बाप नहीं है ना खुदा की कसम वो खुदकुशी कर ले इस मुल्क में ना रहे। मैं आपको कसम उठा कर कह रहा हूँ, जिसका बाप नहीं है, अल्लाह ताला के पास दूसरी बड़ी ताकत जो है
बनना पड़ता है अंदर से, बाहर से बातें करके उमर फारूक नहीं बना जाता। मदीना की रियासत लाने के लिए एक बंदा नहीं ला सकता, इसको भी लानी है, उसको भी लानी है, मुझे भी लानी है। कोई नेक काम होता है तो हम दूसरों को बातें करते हैं, अगर कोई गरीब की बात होती है तो उसको हम धक्के मार के भगा देते हैं कि तुम्हारा इस मुल्क एक गुब्बारे वाला बताए। उस गुब्बारे वाले के पास अगर 2000 का सामान है उसके डंडे पर लटका हुआ, इस मुल्क के पाकिस्तान में जगह है उस मुसलमान के लिए कि